भारत साल 2022 के पहले चार महीनों में श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। श्रीलंका को इन चार महीनों में भारत ने 37.69 करोड़ डॉलर का ऋण दिया। वहीं चीन ने केवल 6.790 करोड़ डॉलर का कर्ज श्रीलंका को दिया। श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विदेशी मुद्रा की कमी के चलते 2.2 करोड़ की आबादी वाला श्रीलंका इस वक्त कराह रहा है। भोजन, दवा और पेट्रोल, डीजल की भारी कमी से वहां का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। वहीं इसके अलावा भारत ने साल 2022 की शुरुआत से श्रीलंका के लिए विदेशी सहायता का पूरा पैकेज दिया। भारत ने इस दौरान श्रीलंका को ईंधन, भोजन और दवाओं की आपातकालीन खरीद के लिए ऋण दिया, एशियाई समाशोधन संघ के भुगतान को आगे बढ़वाया और अपनी करेंसी स्वैप भी की। भारत ने श्रीलंका के साथ 3.8 बिलियन डॉलर की करेंसी स्वैप की थी। जिस तरह से भारत ने दिल खोलकर मानवता दिखाया है और जिस तरह से चीन ने अपना मुंह फेरकर श्रीलंका को अधर में छोड़ने का काम किया, उससे एक बात साफ है कि चीन पर यकीन करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और इस वक्त यही कारण है कि श्रीलंका इस वक्त बुरी तरह से तहस नहस हो चुका है। और जैसे ही हालात कोलंबो में खराब हुए हैं, लगातार झड़प के बाद प्रदर्शनकारी जब बड़े संस्थानों में घुसने लगे, अब कोलंबो की सड़कों पर सेना टैंक लेकर के निकली है। आप जो देख पा रहे हैं ये टैंक है और इसमें एंटी टैंक जो है गन भी है, और ये तमाम सारे जो फौज है वो अब श्रीलंका की आम सड़कों पर ये परेड हो रही है। और ये लोग जो निकले हैं बेसिकली एडवांस मार्च के लिए कई इलाकों में। यहाँ जो हम खड़े हैं इसके आसपास, यहाँ से दाहिने तरफ संसद का इलाका है, ये पार्लियामेंट है। और कल रात जब जिस तरह से प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में संसद की ओर कूच करने वाले थे, तब प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना ने बल का भी इस्तेमाल किया था, हवाई फायरिंग भी की, एक युवक को गोली भी लगी और टियर गैस भी चलाए गए थे। लेकिन जैसे ही अंदेशा हुआ कि प्रदर्शनकारी आगे भी बढ़ सकते हैं, फिर से संसद भवन की ओर जा सकते हैं, अब सेना की जो अगली टुकड़ी है वो और बढ़ा दी गई है। खासकर जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है रानिल विक्रम सिंघे की ओर से भी आदेश दिया गया कि किसी भी हाल में प्रदर्शनकारियों को रोका जाए, कम से कम संसद भवन या ऐसे इलाकों में वो ना पहुंचने पाए। ये आप देख पा रही है तमाम जो श्रीलंकाई सेना है, स्पेशल कमांडोज जो है, स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी, ये अब टैंक लेकर के सड़कों पर एडवांस करने निकली है। ये संदेश प्रदर्शनकारियों के लिए है कि ये लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, व्यवस्था खराब ना हो। अब कोलंबो के हालात आप इसी से समझ सकते हैं कि एक लोकतंत्र में सड़कों पर जब टैंक आ जाए तो आखिर हालात कैसे होंगे।